Students, myself Amdu Umar Khan from Santi Niketan Jubilee School. How are you all? I hope that you all will be also fine. If you want to save from coronavirus, then stay home and save lives. How is the Josh? Hi na? Tell me, how is the Josh? Hi na? Dear students, today I am going to deliver a short lecture on the topic of voice. You know voice? It is an interesting chapter. And you know that this is the second part of this chapter. Its name is voice. Okay, then let me start. Dear students, I'm from Santi Niketan Jubilee School. Today I'm going to giving a short lectures on the topic of voice, English grammar section, and this is the second part. Welcome to the world of English. Students, previous chapter में मैंने rule 1 तक clear किया था voice के बारे में. अब rule 2 को मैं clarify करने जा रहा हूँ. Dear students, if you want to give the answer of any question, then first you have to understand in proper way the meaning of questions. If you not understand the meaning of questions, then you can't give the answer. That's why try to be focused to understand it. About the meaning of question. Dear students, आपको examination में active को passive में बदलना होता है. Active voice के structure के base पे passive changing होती है. अगर आपको structure याद भी नहीं है, but अगर आपको verb के forms याद हैं, आपको पता है ना verb के forms कितने होते हैं? 5 forms होते हैं. अगर आपके active voice में verb का second form है, तो इसका passive voice अगर आपको बनाना है, तो जब भी आपको पैसिव में चेंज करना हो, ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म के जगह पे वाजिया वेयर अप्लाई करना. बस आपको यही याद रखना है कि जहाँ भी V2 दिखाई देगा वहाँ पे वाजिया वेयर का इस्तेमाल करना है. जैसे क्वेश्चन है, आई रोट अ लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट पहले है. इसको पैसिव में जब चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा. क्या आएगा? ऑब्जेक्ट पहले आएगा. तो ये क्या है आपका? आ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया. अ लेटर सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट ये एक्टिव वॉइस है, जब इसको पैसिव में चेंज करना है तो इसके ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है. आई रोट अ लेटर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर. तो हमको पैसिव में चेंज करना है तो पहले हम अ लेटर लिखेंगे. सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद देखना है रोट, राइट रोट, ये V2 है. V2 की जगह पे वाजिया वेयर को अप्लाई करना है. तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो क्या होगा यहाँ पे? वाज होगा. और सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब सेकेंड फॉर्म के जगह पे वाज हो गया. अब क्या बचा है? अ लेटर बचा है, इसको तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. कुछ नहीं बचा है सेंटेंस में. जब कुछ नहीं बचेगा तो आपको पैसिव में चेंज करने के लिए अंत में V3 बाई प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो राइट का V3 रिटेन हो गया और बाई हो गया, आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जगह फिर रेफर होता है तो मी में कन्वर्ट हो जाता है. तो अ लेटर वाज रिटन बाई मी, ये आपका एक्टिव का पैसिव बन चुका है. आपको हम बता दें कि पैसिव वॉयस बनाने का एक हम आपको ज़बरदस्त फार्मूला एंड ट्रिक बताता हूँ. इस ट्रिक पे टेंस रिलेटेड जितने भी एक्टिव वॉयस होंगे आप आसानी से बना सकते हैं. किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर को याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. बस आपको यही याद करना है किस वर्ब के फॉर्म्स की जगह पर क्या नया वर्ड्स को अप्लाई करना है. याद रहे, जब भी आपको पैसिव चेंज करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट और लास्ट में V3 बाई प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. अब आइए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, इसको आप लोगों को बना के दिखाना है. जैसे क्वेश्चन है हमारा, ये एक्टिव वॉइस है, सी हेल्प यू, राधा रोट अ लेटर, यू कॉल्ड हिम. अब वन बाई वन हम सारे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे. जैसे यहाँ पे सी हेल्प यू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? यू है. हमको इसको चेंज करना है पैसिव में, तो पैसिव वॉयस में चेंज करने का क्या फंडामेंटल हमने ट्रिक बताया आपको कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो. तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया. तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखोगे तो आप यहाँ पे देंगे आंसर अपना, यहाँ यू आ गया, ऑब्जेक्ट को मैंने पहले लिखा. अब सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट लिखने के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या मिला हमको? वर्ब मिला. ये वर्ब का कौन से फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है. तो सेकेंड फॉर्म के जगह पे क्या अप्लाई करना है? ऑलरेडी मैंने पहले बताया है कि जहाँ भी V2 दिखाई देगा वाज या वेयर लगाना है. तो यू के साथ क्या रहेगा? वर्ब लगेगा. मैंने वर्ब को अप्लाई किया तो इसका भी काम हो गया. और अब ये बचा ऑब्जेक्ट, इसको ऑलरेडी हम लोग पहले से लिख चुके हैं, पहले से ही हम लोग इसको लिख चुके हैं.
अब कुछ नहीं बचा ना सेंटेंस में, तब कुछ नहीं बचा तो फिर हम क्या करेंगे लास्ट में पैसिव बनाने के लिए, इस ट्रिक को बार बार ध्यान देंगे आप। वी थ्री बाई प्लस सब्जेक्ट, तो हेल्प्ड का ये वी टू और वी थ्री सेम होता है, ये हेल्प्ड का हेल्प्ड हो गया, उसके बाद बाई लगेगा और ये जो सी है ये ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा हर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू वर हेल्प बाई हर, ये आपका क्या हो गया, ये पी बी में कन्वर्ट हो चुका है, ये चेंज हो चुका है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, राधा रोट अ लेटर, ये राधा सब्जेक्ट है, हमको पैसिव चाहिए तो क्या लिखेंगे, डियर स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी क्या हो गया यहाँ पे, अ लेटर, ये अ लेटर यहाँ पे मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट लिखा, इसका काम हो गया। अब हम इसके पास आएंगे, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट होता है, वर्ब है ना, इसके जगह पर वाज वेयर अप्लाई करेंगे, लेटर है क्या लगेगा यहाँ पे, वाज लगेगा, और इसके बाद कुछ बचा नहीं, अ लेटर क्वालिटी मैंने पहले से लिख चुका है, तो क्या अप्लाई करना है, वी थ्री बाई प्लस सब्जेक्ट, तो राइट का वी रिटेन बाई, और कोई भी नाम हो जब भी पैसिव में चेंज करते हैं तो नाम जो होता है ना, मतलब नाउन नेम, वो चेंज नहीं होता है, तो अ लेटर वाज रिटेन बाई राधा, ये भी आपका आंसर अपडेट हो गया। अपने आंसर को मैच करते रहें आप लोग, कॉपी लेके साथ में बैठोगे स्टूडेंट्स। द थर्ड क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, यू कॉल्ड हिम, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट लिखूंगा, तो हिम का क्या हो जाएगा, ये हिम में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो और ही के साथ क्या लगता है, वाज, कॉल्ड वी टू भी होता है, भीतरी भी होता है, तो कॉल्ड का कॉल्ड हो गया, उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट यू है, ये सब्जेक्ट के जगह पे हो या ऑब्जेक्ट के जगह पे हो ये चेंजिंग नहीं होता है, यू का यू। डे स्टूडेंट्स अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो आप आसानी से बना सकते हो, इसमें किसी भी स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत है आपको, बस आपको ये याद होना चाहिए कि वी टू के जगह पे वाजिया वर्ब को अप्लाई किया जाता है। डे स्टूडेंट्स मैं नोट करके कुछ अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोट में अगर आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई हो पैसिव में चेंज करेंगे तो आई जो है सब्जेक्ट के जगह पे एक्टिव में, जब ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा तो आई किस में बदलेगा, मी में, सी किस में बदलेगा, हर में, ही हिम में, यू यू में, वी अस में, कोई भी नेम हो एक्टिव में भी वही नाम रहेगा, पैसिव में भी वही नाम रहेगा, इट होगा तो इट ही होगा, अगर दे होगा तो दे में कन्वर्ट होगा। इट वॉज रूल टू, ये आपका रूल टू था जिसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म से रिलेटेड कोई भी एक्टिव वॉइस आता है तो आप आसानी से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं।